कानून व्यवस्था के मामले में लगातार बीजेपी सरकार निशाने पर है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। ये बताइए, झांसी वाली घटना ही सिर्फ विपक्ष के लिए मुद्दा बन गई या वाकई यहाँ पर कानून व्यवस्था बड़ी खराब है? देखिए, झांसी की घटना को पूरा छिपा रही है पुलिस और पूरा संरक्षण सरकार का। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और एक घटना नहीं है, केवल झांसी घटना नहीं है, कानपुर की है आपके सामने, सिद्धार्थनगर की कई घटनाएं हैं, कुशीनगर की घटनाएं हैं, मैनपुरी में कल क्या हुआ, या उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कामकाज हो रहा है, सरकार क्या चाहती है यही नहीं पता किसी को। नहीं, एक तरफ तो सरकार एनकाउंटर करके अपराध पर नियंत्रण करने की बात करती है, दूसरी तरफ उनपे ये भी आरोप लग रहा है कि पुलिस वाले तक एनकाउंटर कर रहे हैं, तो क्या ये सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है? देखिए, जब भी सरकार ने कोशिश की, लेकिन सरकार में बैठे ही लोग हैं, अगर न्याय नहीं दिलाना चाहेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे संभाल लोगे आप? बनारस में एक ठेकेदार था, क्या था ये जानकारी अलग है, लेकिन 7 गोली मारी और हत्या कर दी गई उसकी, आखिरकार कौन दोषी है? वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? आप याद कीजिए वो सोनभद्र में जो हुआ था, आखिरकार किसका संरक्षण था? सरकार ये कहती है कि विपक्ष करा रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सोनभद्र की अब रिपोर्ट सरकार के पास होगी, कम से कम ये सरकार बताए कि दाखिल खारिज किसने कराया था। नहीं, लेकिन उनका तो कहना है कि कांग्रेस के टाइम से लेकर 70 साल में ये सब हो गया। देखिए, आप बीजेपी का चैनल मत बनिए, आप भारतीय जनता पार्टी का चैनल मत बनिए, केवल इतना हमें आप ही बता दो, आप अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं, आखिरकार दाखिल खारिज किसने कराया था, किसके दबाव में दाखिल खारिज हुआ, शायद आप बता देंगे तो शायद जानकारी हो जाएगी सबको, और झांसी का हमें बता दो। परिवार के लोग ये कहते हैं कि 10 बजे उनकी बात हुई, पुलिस कहती है कि 12 बजे इनकाउंटर हुआ है, जनता कहती है 8:30 बजे इनकाउंटर हुआ है। आखिरकार अगर 8 बजे हुआ, 10 बजे हुआ या 12 बजे इनकाउंटर हुआ, तो रात भर बॉडी रखी, पूरे दिन भर घुमाया उसकी बॉडी को, आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस समय बनी? लेकिन लेकिन सरकार के लोग तो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमेशा उनका इतिहास रहा है कि अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, फुल उन्होंने डकैतों तक का एग्जाम्पल दिया। कौन सा डकैत हमारे साथ रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो उदाहरण देते हैं, उन्होंने शब्द बोला जो एग्जैक्ट बोला वो बता रहा हूँ, उन्होंने कहा डकैतों तक को उन्होंने शरण दे रखी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पे कौन सी धारा थी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने कौन सी धारा वापस ली, आप बताओ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कौन सी धारा अपनी वापस ली है? उसके बारे में तो उनका कहना है कि कोर्ट के जरिए गोरखपुर का मामला था वो वापस हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी पे कितने केस हैं, उप मुख्यमंत्री पर कितने केस हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जितने केसेस हैं उनको चाहे कानून के जरिए, अदालत के जरिए कोशिश कर रहे हैं, सरकारों का ये सिस्टम रहा है कि वो जब भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज सबसे ज्यादा अपराधी किस दल में है, आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताइए, हमारे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पे कौन सी धारा थी जिसको वापस लिया, आप बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सी धारा थी जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी वापस ली, अगर आप वाकई में सच्चे चैनल हो तो कम से कम धारा का नाम बता दो। हमारी जानकारी के हिसाब से माहौल खराब करने के लिए, दंगा के लिए गोरखपुर के मामला जो दर्ज था वो कोर्ट के जरिए उन्होंने खत्म कराने की कवायद की। मैं जानना चाहता हूँ कौन सी धारा मुख्यमंत्री जी ने वापस ली, वही दंगा और लोगों को उकसाने वाली धारा के मामले में। सर, एक सवाल और आखिरी, आज प्रधानमंत्री और उनकी मुलाकात हो रही है, उस बारे में बताइए। बस आखिरी तो ये अखिलेश यादव जी जिनका कहना है कि कानून व्यवस्था यहाँ बीजेपी की सरकार में इसलिए खराब हो रखी है क्योंकि वो अपने तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं और मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। फिलहाल सच इसके पीछे क्या है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है उसके लिए सरकार के लिए मुश्किल जरूर है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।